Born in Varanasi, Santosh Verma is an MFA from the Faculty of Visual Arts, Banaras Hindu University, Varanasi, India. In 2001, he has won the National Academy Award, Lalit Kala Academy, New Delhi. He was awarded a Bharat Bhavan Award in 1992, Sahitya Kala Parishad Award 1994, Senior Fellowship by the Ministry of Culture in 2003 and many more. His works are part of the collections of National Gallery of Modern Art, Delhi, Lalit Kala Academy, Museum of Fine Arts, Bharat Bhavan, Bhopal, Sahitya Kala Parishad, and several other institutions in India and abroad. Please keep giving us your support and your love. Please subscribe to our channel. Don't forget to click the bell icon for getting further updates. हेलो एंड वेलकम टू चाइब्रेरी टुडे वी हैव विथ अस आर्टिस्ट संतोष वर्मा संतोष जी वेलकम टू अ वेरी वॉम वेलकम धन्यवाद सो इट्स वेरी वंडरफुल टू हैव यू हियर तो संतोष जी आपकी जो पेंटिंग जब मैं देखती हूँ पर्टिकुलरली अभी का जो फेज आपका चल रहा है इसके बारे में बाद में बात करेंगे बट एक चीज़ है इट हैज़ अ लॉट ऑफ इट्स अ गॉट अ चाइल्ड लाइक क्वालिटी एक इनोसेंस एंड प्योरिटी ऑफ नेचर एंड यू नो अ लिटिल बिट ऑफ चाइल्डहुड इन इट तो आपके चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में थोड़ा सा बताइए शुरू करते हैं आपने ठीक पकड़ा है उसे क्योंकि मेरा जो बचपन है बचपन क्या और करीब तेरह चौदह साल की उम्र तक मेरा परवरिश जो है गांव में ही हुआ है अच्छा उसके बाद भी हम बनारस आए वो भी हमारे गांव के पास का ही है मुश्किल से पंद्रह बीस किलोमीटर का अच्छा, बहुत पास मतलब ही मतलब बोल सकते हो आप उस एक समय में वो बनारस था बनारस था। बाद में जाके सब जिला वगैरह अलग हो गया लेकिन okay. पहले हमारे गांव को जिला बनारस में कहा जाता था तो हमारा बचपन वहीं पैदा हुए वहीं का जो पेड़ के नीचे स्कूल होता है वहाँ तो एकदम पूरा नेचर के बीच हमारी परवरिश हुई है और हमने सुना है ज्यादातर आर्टिस्टों का पढ़ाई लिखाई में मेरा भी पढ़ाई लिखाई में कोई मन नहीं लगता था तो जब भी मौका मिलता या वहां से निकल करके गर्मी है तो पानी में तालाब में उतर जाना क्योंकि वो ठंडा ए सी और ऐसा कुछ तो होता नहीं तो गर्मी लगी तो तालाब में उतर गए तो तैर रहे हैं तो कब से हम तैर रहे हैं ये मुझे याद नहीं मैंने जब से याद है मैं तैर रहा था अच्छा। ये समझिए मैंने इतना बचपन से हम तैर रहे थे और जो नेचुरल तालाब होते हैं जिसको पुखुर या गड़ाई कहते <laughs> उसके जो नेचुरल जो जलकुंभी है ये, ये सब उसमें होती थी <laughs> तो उन्हीं पेड़ पौधों के बगीचों के बीच और चढ़ हाँ, पेड़ पेड़ पे करके <laughs> कोठर होता है वहां okay. डाल के उनके बच्चों को निकाल लेना कोई okay. गांव में मांगा है तो उसको दे देना पालने के लिए तो इस तरह के तो शायद वही बनाना चाहता हूँ या सबकॉन्सियस माइंड में भी वही है तो वो आते हैं कहीं ना कहीं से तो पढ़ाई का शौक आपको नहीं था मगर आर्ट का क्या शौक था आपके तब भी आप आपका आर्ट का कोई पहचान था शायद मेरे आर्ट को मेरे बचपन के दोस्तों ने सबसे पहले पहचाना अच्छा, या गांव के लोगों ने उसका कारण यह है कि जब हम खेलते थे तो आपको याद है कि जमीन पे लकीरें खींच करके हम लोग एक ऐसे फेंक करके खेलते हैं तो वो जो बनाना होता था वो मुझसे बनवाया जाता था अच्छा। क्योंकि मैं बढ़िया अच्छा बना लेता था okay. तो शायद <laughs> okay. होते थे तो लट्टू बहुत अच्छा ना चाहते थे hmm. हम, वो जो रस्सी में बांध करके hmm. तो जो लट्टू होता है वो कहीं और बनता है खराद पे बनता है कारपेंटर बनाता है और उसमें जो कील लगती है वो कहीं और लोहार बनाता है लगाता है तो लोहार का लगाया हुआ कील मुझे कभी पसंद नहीं आता था क्यों क्योंकि वो आ, मुझे लगता था कि वो ठीक नहीं मैं खुद बना के देखूं ओके okay. तो जब मैंने लगाया तो देखा कि वो मेरा ज्यादा अच्छा हो ज्यादा देर तक टिका रहता है ओके okay. तो फिर मैंने लगाना शुरू किया तो आप फिर दूसरे दोस्त भी हमसे ही लगवाना शुरू कर दिए तो आप कह सकती कि वो मेरा आर्ट का प्रारंभिक था टोटली आर्ट देन आर्ट क्राफ्ट डिजाइन सब आर्ट क्राफ्ट डिजाइन ये सब तो थोड़ा सा एटीट्यूड आर्ट तो हम नहीं उसको जानते थे हम उसको कारीगरी कह सकते थे करेक्ट हाँ और इसी तरह से हमको वही देखना अच्छा लगता था बचपन में लड़के गांव के लड़के ज्यादा कुश्ती-उश्ती लड़ रहे हैं उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था मैं चला जाता था कुम्हारों जो कुम्हार था हाँ गांव हाँ के थोड़ा बाहर वो चाक पे कैसे पॉट बना रहा है हाँ तो वो बैठ के मैं देखा करता था कैसे वो मट्टी का आकार बदल रहा है हाँ 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 या लोहार के यहाँ बैठे हैं वो पीट करके कैसे शेप बदल दे रहा है किसी हाँ हाँ भी चीज का वो ज्यादा अच्छा लगता था वनस्पत की आ, कुछ जाके खेलना तो आप वहाँ कह सकते हैं कि आर्ट का तो बगैर आर्ट का मतलब इंटरेस्ट होना और उसके बारे में टू स्टडी फर्दर ये आइडिया कैसे आया आपको कि आर्ट में ग्रेजुएशन करेंगे जो गांव वालों का आप तो जानते हैं हिंदुस्तान किस तरह से माइग्रेट करके शहर आया हाँ। उसके कई कारण दो चार बहुत ही जेनुइन कारण है हाँ। उसमें एक जेनुइन कारण हमारे परिवार का भी था कि परिवार बढ़ता गया जमीनें कम होती गई हाँ। लोगों को असुविधा होने लगी मेरे फादर थोड़ा शहर से पढ़ के आए थे hmm. तो उन्होंने सोचा कि हम अपने बच्चों को भी शहर लेके जाए और कुछ घटनाएं भी ऐसे जो कि hmm. अनफॉर्चुनेट होती हैं गांव में हो जाता है hmm. तो फादर को लगा कि मैं अपने बच्चों को इ, इस माहौल में नहीं पालूंगा तो वो hmm. शहर लेके आ गए तो पास में ही था बनारस था करेक्ट तो हम बनारस आ गए तो आपने एजुकेशन के विषय में पूछा वो मैं बताना चाहूंगा कि जब बनारस आया तो जो आर्ट का इंटरेस्ट था क्योंकि बचपन में जो थोड़ा बड़ा हुआ तो गांव की जो फोक आर्टिस्ट थे गांव के जो दीवालों पर चित्र बनाते थे उनको देखना फिर हम भी थोड़ा बहुत बनाने लगे तो शादी ब्याह में जो रिचुअल होते हैं उसको कोहबर कहते हैं हमारे यूपी के गाँव में उसको कोहबर कहते हैं जो रात में दूल्हा दुल्हन एक कमरे में जाते हैं और जहां बैठते हैं उसके दीवार पे कुछ सजाते है, बनाते हैं बनाते हैं कुछ रिचुअल कुछ भगवान के चित्र होते हैं कुछ ओम वगैरह लिखा होता है कुछ तो कुछ डेकोरेशन फूल पत्ती वगैरह तो वो बनाते बनाते लोग मुझे बुलाने लगे वहाँ पे किसी के यहाँ होता तो मुझे बुला लेते थे तो यहाँ तक तो था गाँव में शहर आया तो आर्ट का तो था स्कूल में भी एडमिशन भी हो गया हाँ। लेकिन हम आर्ट करने के लिए हमेशा लालयित होते थे हाँ। तो सबसे पहले आर्ट मुझे दिखा बनारस के सड़कों और गलियों या सिनेमा घर के आ, जो पोस्टर होते थे हाँ। बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं जो हाथ के उस समय हाथ से हाथ बनाते हाथ थे, थे हाँ। बॉम्बे से कारीगर उनको कारीगर कहते थे आर्टिस्ट को नहीं बोलता था, बोलते थे कारीगर तो बॉम्बे से आते थे और उसी शहर में बनारस में रह करके वो एक्ट्रेस के एक्ट्रेस के बड़े बड़े चित्र, चित्र वो इतना चित्र बड़ा होता था कि मैंने एक एक मंजिल का और वो कमाल था कि गलियों के बीच में जो पीछे जाके देखने का भी स्पेस नहीं है लेकिन उसमें भी वो सीढ़ी चढ़ करके एकदम प्रोपोर्शनेटी इतना बढ़िया बनाते थे कि मुझे लगा कि ये तो कमाल का आर्ट है बिल्कुल तो गांव में मुझे वो जो फोग दीवालों में बनता वो सबसे बड़ा आर्ट लगता था शहर आ तो मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा आर्ट है तो आप बिलीव कीजिए कि मैं मुग्ध होके देखता था और घंटों दो घंटा बीत जाता था पता नहीं चलता था और जब वो आर्टिस्ट जो थे वो देखते थे लड़का बैठा हुआ है तो उस समय कलर कोई आता नहीं था ऐसे मार्केट से नहीं वो बनाते थे वो क्या करते थे वो जो जो पाउडर कलर मिलते हैं वो मसाले के बाजार अच्छा, में वो पाउडर कलर मिलते थे हाँ। उसको गोंद जो पेड़ों से निकलने वाले हाँ। गोंद होते उसमें काफी फेंटना पड़ता था हाँ। फेंटने के बाद बहुत बढ़िया वो बनता था एकदम और उससे वो लोग बनाते थे ओके ऑयल कलर भी आते थे वो लेके आते थे लेकिन वहाँ मैंने कई आर्टिस्टों को देखा कि वो नेचुरल कलर से मतलब जो पाउडर कलर है उससे बना रहे हैं बोले और मुझे याद है ये ये चीज़ जो पेंटिंग आप बोल रहे हो और बहुत उनका बारीकी से करते थे वो शेडिंग फेस का शेडिंग बहुत कुछ इट वाज लाइक अ वर्क ऑफ आर्ट ओनली एज यू आर सीइंग हाँ 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 वो हा, वो आर्ट है वो आर्ट है फिर वो कभी कभी मुझे रंग घोलने के लिए देते थे तो मेरे लिए बड़ा प्राउड होता था कि मुझे उन्होंने तो इस तरह से करते करते फिर क्या हुआ कि थोड़ा और बड़े हुए पढ़ने वढ़ने में वैसे मन नहीं लगता था तो मैं लोकल जो लोकल आर्टिस्ट थे जो hmm. पोर्ट्रेट बनाते थे hmm. उनके पास जाने लगा hmm. उन्हीं में से मैं उनका नाम लेना चाहूंगा आ, वो, आज भी वो अखबार है बनारस का बहुत ही प्राइम अखबार है आज अखबार आज न्यूज़पेपर जो आज भी चलता है उस समय भी था उसके एक कार्टूनिस्ट थे मनोरंजन कांजीलाल जी okay. बंगाली थे वो लेकिन बनारसी थे बनारस में ही पले बड़े थे उन्होंने कहीं पे मुझे किसी के पास देखा था लेकिन वो एक बड़े आर्टिस्ट थे तो सब आर्टिस्ट उनके पैर छूते थे बनारस का कल्चर है अपने से बड़ा है तो उसका पैर छूते थे उन्होंने एक दिन मुझे देखा और कहा कि तुम्हारे जैसे लड़के को तो आर्ट कॉलेज में पढ़ना चाहिए hmm. तो मैंने पूछा कि कहाँ ये आर्ट कॉलेज मिलेगा तो बोले इसी शहर में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वहाँ hmm. आर्ट कॉलेज है तो इस तरह से मेरी okay. आर्ट कॉलेज का जानकारी हुई okay. और फिर मैं आर्ट कॉलेज गया और जब वहाँ गया तो फिर आर्ट के माने बदले कॉलेज में जाने के बाद फिर वो वहाँ देखा जो टीचर हैं वो hmm. बड़े बड़े आर्ट कॉलेज से निकले आए हैं के एस कुलकर्णी hmm. बड़ा नाम वो हमारे डीन थे दीपक बनर्जी बहुत बड़े इंटरनेशनल लेवल के प्रिंट मेकर हैं बलबीर सिंह कट ओके okay. वो वहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो इन लोगों का जब काम देखा बलबीर सिंह कट का जब स्कल्पचर देखा तो एकदम स्क्वायर कट बिल्कुल उसमें मुझे लगा कि ये आर्ट कैसे हो सकता है हैं फिर धीरे धीरे लगा क्योंकि हम तो प्रभावित थे सिनेमा के था। पोस्टर से जब वहाँ पे उन लोगों का आर्ट देखा कि ऐसे कुलकर्णी सर का देखा कि वो एक ड्राइंग मेरे उस समय के हिसाब से खराब सी ड्रॉइंग किया हुआ है उन्होंने हाँ. मैंने कहा कि ये कैसे आर्ट है ये तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है इससे बढ़िया तो उनके पास चले जाते हैं खैर धीरे धीरे बहुत जल्दी हम चीज़ों को समझ में आ, आ गया कि नहीं ये ये है ये है, है यहाँ से चेंज हो रहा था फिर धीरे धीरे उससे हम यूज uh, होने लगे मुझे लगा कि नहीं यही है आर्ट तो फिर वहाँ जैसे अकेडमिक होता है right. तो हमारे भी तो so आर्ट का मीनिंग फिर एक स्टेप बाय स्टेप आपके लाइफ में हाँ. अलग अलग हाँ, हमेशा चेंज हुआ है मेरा हाँ, मेरा आर्ट के माने हमेशा चेंज हो, होता रहा है हाँ. तो आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा बनारस के बारे में पूछना चाहती हूँ बिकॉज यू हैव ग्रोन अप देयर एंड बनारस इट इज अ कल्चर ऑन इट्स ओन पर अब बनारस के बारे में बताइए कि हाउ इज इट टू ग्रो अप इन बनारस पुराना शहर है और सही माने में जिंदा शहर है हर शहर के देखिये अपनी समस्याएं हैं लोगों की वहां की भी है लेकिन अब बल्कि वहाँ की ज्यादा है क्योंकि वहाँ अपॉर्चुनिटी कम है लेकिन लोगों के अंदर जो एक संतुष्टि है मगर सुबह के टाइम में वहाँ का आदमी गंगा के किनारे पैर लटका करके माँ गंगा के उसमें गोद में और जो उगते हुए सूरज को देखता है तो शायद अपने जो उसके चेहरे पर जो संतुष्टि होती है वो तो कहीं और मिल ही नहीं सकता बिल्कुल और ये एज ए ट्रैवलर हम लोग भी महसूस करते हैं कि कमाल का है कमाल... इतना कुछ है मैंने अपनी माँ को जिंदगी भर देखा है कि वो हमारे घर से एक किलोमीटर के डिस्टेंस पर गंगा है तो माँ रोज वो नहाने जाती थी और कार्तिक का महीना कथकी होती हुँ। हुँ। है जाड़े का दिन होता है जो वहाँ पर रिचुअल भी के एक महीना तो नहाना ही है तो तो साल भर नहाती है मगर उस समय पर्टिकुलर, पर्टिकुलर जाते पर्टिकुलर थे, थे।, थे। तो उनका जब मैं माँ को याद करता हूँ तो उनका एक सीन मुझे ये भी माँ का याद आता बहुत चीजें याद आती हैं माँ की मगर उसमें एक भी है कि माँ नहा के आ रही हैं, और हाथ में बांस की डुलची ली है उसमें शिवली का फूल है उसको हिंदी में पारी या क्या कहते हैं वो लाल रंग का जो पीछे होता तो, वो फूल लेके घर में घुसती थी तो मेरे लिए वो एक माँ है और उनको कभी भी उनकी भी समस्याएं होंगी मुझे नहीं पता बट हमेशा संतुष्ट रही है और मैं आपको एक बहुत मजेदार बात बताऊं माँ को वैसे भी याद करता हूँ बहुत सारी यादें जैसा बताया कि जब हम आर्ट कॉलेज में पढ़ते थे और सुबह हम लोग स्केच करने या दो साल तो हमको सब पढ़ना पड़ता हाँ, था ना तो फोटोग्राफी भी पढ़ना पड़ता था तो कैमरा लटका करके हम निकलते थे घाट घाट जो है बहुत उसमें इतने सब्जेक्ट है हाँ, चाहे पेंट करने वाले हों चाहे फोटोग्राफी करने वाले हों हाँ, इतना मिलेगा कि जिंदगी भर वो करता रहे तो नहीं होगा। तो हम दोस्तों के साथ जाते थे और धीरे धीरे दोस्त भी जाने लगे परिवार तो मैं माँ को देखा हूँ कि उस वही समय होता था मान लीजिए कि माँ का तो माँ को देखता था तैर रही है वो साड़ी पहन के पीछे से साड़ी फूल जाता है और वो माँ को उस एज में भी तैरते हुए देखा है और चूंकि कुछ दोस्त घर भी आते थे तो माँ को जानते थे तो कभी मैंने नहीं देखा तो दोस्त ने बोला देखो माँ तैर रही है। तो इस तरह से भी याद है, है। उनका okay. तो बनारस एक कमाल का शहर है उनके लोग कमाल के हैं और बड़े बड़े साहित्यकार दिए हैं हाँ, उसी बनारस अब वो साहित्यकार भी बनारसी ही हैं वो बाहर जाके जितना भी उन्होंने नाम कमाया है लेकिन उनके अंदर एक बनारसी बनार बैठता है मेरे अंदर भी बनारसी <laughs> बैठा है। बनार Great. तो अभी आपके आर्ट आ, करियर में आते हैं तो कॉलेज आपने बी एच यू से किया है एंड इमिडियटली अंडरस्टैंड बी एच यू इज ऑल्सो एक्सट्रीमली गुड इन ट्रेडिशनल एकेडमिक पेंटिंग ट्रेडिशन तो ये अचानक ये शुरू से कैसे आया आपकी घटना है जैसा कि आपको बताया कि आर्ट के माने हमारे मेरे लिए बदलते रहे हैं तो सिनेमा कॉलेज में जाने से सिनेमा का पोस्टर बदला वहाँ आकर के धीरे धीरे एकेडमिक कि yes. भाई ऐसे आर्ट होता है स्केच करना yes. और लाइव ड्राइंग करना है इस जो स्कल्पचर का क्लास होता था जो दो साल बेसिक होता है उसमें गए तो आ, आकार बनाना है फॉर्म बनाना ये सब तो हम भी एकेडमी करते बाहर जाकर लैंडस्केप बना रहे हैं वाटर कलर सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरे लिए वो वही आर्ट था और वही आर्ट हो गया था अचानक शायद थर्ड ईयर मेरे ख्याल से रहा होगा और उससे पहले मैं कभी बनारस से बाहर कहीं किसी और शहर नहीं गया हुआ था तो उस समय हमें पता चला कि लखनऊ में लखनऊ की जो ललित कला एकेडमी है वो एक बड़ा नेशनल लेवल का ड्राइंग की एग्जीबिशन होने वाली है तो हम लोगों सीनियर लोग भी जा रहे थे हमने कहा हम भी जाएंगे लखनऊ भी देखेंगे और एग्जीबिशन भी देखेंगे टीचर भी जा रहे थे तो मैं मैं भी गया तो वहाँ बहुत तरह की आर्ट देखने को मिला इतना सारा पूरा एक एग्जीबिशन उसमें एक आ, काम को अवॉर्ड मिला हुआ था hmm. जो काला सा धब्बा था बड़ा सा hmm. और साइड में पेननिंग से कहीं कहीं रेंडरिंग की हुई थी hmm. बाकी एक आकार था ब्लैक सा तो मुझे लगा कि अरे इन ड्राइंगों और इस तरह के ड्राइंग्स के बीच में ये भी ड्राइंग है ये भी आर्ट है जरा देखें नाम पढ़ा तो वो जयराम पटेल जी का काम था hmm. उसे अवार्ड मिला हुआ था hmm. वो मुझे मेरे लिए बहुत ही झटके जैसा था कि अच्छा तो ये भी आर्ट है और अवार्ड मिला है देट में तो अच्छा आर्ट है राइट right. फिर मैं उसके बारे में सोचने लगा और वो मेरे uh, मस्तिष्क से so मेरे मन हाँ, हाँ, हा, उस हटाना मेरे लिए मुश्किल हो गया और आ करके मैं फिर उसके बारे में सोचने लगा फिर लाइब्रेरी से मैं ऐसे भी बचता था क्योंकि Achha. पढ़ना पसंद नहीं था तो ले, लेकिन और कुछ जानने के लिए फिर मैं लाइब्रेरी भी जाने लगा फिर बहुत सारे एब्सट्रेक्ट आर्टिस्टों के भी हमने देखे और तो मुझे फिर मेरे अंदर आया कि नहीं एब आर्ट ही आर्ट है रही हैं। हैं। मुझे ऐसा लगा और उसमें इंटरेस्ट लगा तो फिर मैं एबस्ट्रैक्ट की तरफ झुकाव हुआ और कॉलेज तो लाइफ से ऐसा फोर्थ ईयर में रहा हूँ शायद अभी भी कैटलॉग हो लखनऊ ललित कला जो स्टेट ललित कला अकेडमी थी उसका कंपटीशन जैसा कि होता है हमेशा ही आज भी होता होगा तो उसमें हमने एक एब्रिक्ट काम बनाया था और भेजा था ब्लैक एंड वाइट ही था जयराम भाई ने ब्लैक एंड व्हाइट किया था तो ब्लैक एंड व्हाइट ही घुसा हुआ था तो वो ब्लैक एंड व्हाइट था लेकिन वो हमने लिया था मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बनारस में ही तांगा होता है उस समय तांगा चलते थे घोड़ा हाँ, तांगा अच्छा तांगा। तो दोपहर के समय मैंने एक फोटोग्राफ खींचा था लाइट आ रही थी और तांगे का जो पहिया था हाँ, वो तांगे का पहिया और उसका हाँ, शेड जमीन पर पड़ रहा था तो बहुत अच्छा एक फॉर्म क्रिएट तो वो फोटोग्राफ लिया था मैंने उससे उससे इंस्पायर हो करके एक तो मैंने एक पेंटिंग बनाई थी वही ब्लैक एंड वाइट तांगे का व्हील और वो और वो वही चीजों को कई जगह रिपीट करके hmm. वो एक बहुत अच्छा सा अपने हिसाब से hmm. बना था और वो वहाँ सेलेक्ट हुई थी और वो खरीदा भी था शायद आज भी उनके कलेक्शन में होगा तो लगा कि नहीं ये तो बढ़िया है hmm. ही है तो फिर से शुरू हुआ।, हुआ।, हुआ और फिर मैं आया तो दिल्ली आ गया व्हाइट तो दिमाग में था मैंने काम शुरू किया ब्लैक एंड वाइट ही एयर ब्रश में okay, okay. एयर ब्रश जिसको आम भाषा में स्प्रे कहा जा सकता है उसका करेक्टर वही है कि फुहार की तरह कलर फेंकता है मगर जो सोफिस्टिकेटेड जो उसकी जो गन मिलती है hmm. बाहर की होती है वो छोटी होती है hmm. वो कम फुहार देती है कंट्रोल hmm. करना कंट्रोल करना मैं आपको तकनीकी जरा सा बता रहा हूँ कि वो उसको कंट्रोल करना पड़ थोड़ा पड़ता है लेकिन मैंने बीसों साल उसमें काम किया और उस पर ऐसा कंट्रोल था, था कि हम बाल बराबर लाइन भी उससे खींच सकते wow. थे जो मेरे पुरानी पेंटिंगों में आप देखेंगे तो वहाँ से हमारी शुरुआत हुआ और मैंने एबस्ट्रेक्ट ही करीब

आपने ठीक ही तो so, पकड़ा था एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आपके थे इट्स तो इट्स वेरी डिस्टिंक्टिव हां तो इसके बारे में बताइए ये हाउ डिड दैट कम अबाउट मैं एब्स्ट्रैक्ट में लाइट ही हमेशा पेंट करता था अच्छा आप अगर मेरा चित्र उस समय का तो एक लाइट वाला फोटोग्राफ किया था हमने लाइट शेड का मगर बाद में जो हमने एयरब्रश से भी जो काम किए हैं उसमें लाइट को ही हमने पेंट किया, पेंट किया। और वो लाइट भी हमारा गांव से ही आता है जो अच्छा। गांव में ही हमने उसको बहुत ज़्यादा लाइट तो हर जगह होती है मगर जो हम पेंट करते हैं आप ऐसे देखिए कि जैसा कि आपको बताया कि चाइल्डहुड गांव के बगीचों और पोखरों के इर्द गिर्द बीता है तो जब हम बगीचों में पेड़ के नीचे बैठे रहते थे थोड़ा लोनली भी हम थे उस समय अकेले भी बैठते थे हम <laughs> वो पता नहीं अच्छा लगता था तो मगर हम अकेले मुझे याद है हम अकेले भी बैठे रहते थे तो अकेले में क्या करेंगे तो ऊपर से जो सूरज की किरणें पेड़ों से हो करके जो जमीन पे गिरती थी आप वो ऑब्जर्व करते थे वो हिलती भी थी <laughs> वो देखना बहुत अच्छा लगता था और कभी कभी हम उसपे ड्रॉ भी कर देते थे अच्छा। okay. so, yeah, so, ये, तो क्या पेंट करें तो शायद वो आकार भी हैं कुछ मगर वो एब्स्ट्रैक्ट आकार हैं। लेकिन उसके अंदर से आप देखेंगे अगर चित्र तो yeah. उसमें से लाइट लाइट ही निकल रही है yeah, exactly. अगर आपने गौर किया yeah, आप exactly. तो लाइट so, ही पेंट किया उसका रूट वही गांव है हमारा गांव हमारा बचपन बचपन तो इस फेज़ में आपको बहुत सारे रिकग्निशन मिला सक्सेस मिला एंड योर वर्क्स आर इन वेरी इंपॉर्टेंट कलेक्शंस यू हैव वन अ लॉट ऑफ अवार्ड्स एंड आई एम श्योर यू गॉट अ लॉट ऑफ कमर्शियल सक्सेस आल्सो सो फिर व्हेन यू नाउ योर वर्क हैज चेंज्ड एंड हाउ डिड यू मेक दैट डिसीजन कैसे हो गया कि वो वर्क चेंज हो गया आपकी स्टाइल बिल्कुल अलग लैंग्वेज में आप अभी काम कर रहे हो हमेशा कुछ खोजने के या कुछ और कुछ और क, अपने आप से uh, कम से कम आर्ट के मामले में ऐसे संतुष्ट हूँ बट आर्ट के मामले में संतुष्ट न होने की जो hmm. अंदर एक है hmm. uh, हो सकता है ये रहा हो hmm. और भी बहुत सारे कारण है उसमें से एक कारण यह है कि जो बीसों साल मैंने वो जो काम किया और आप अगर काम देखेंगे तो बहुत ही स्मूथ और फिनिश काम तो, करते करते मुझे लगा कि मैं इतना फिनिश काम करता लोग जो देखते हैं तो एकदम मक्खन जैसा मलाई ऐसा बोलते हैं।, हैं तो लगता था यार इतना स्मूथ तो जीवन भी नहीं है मेरा भी जीवन इतना तो हम इतना स्मूथ काम हम क्यों करते हैं Uh, सब कुछ इतना सुंदर नहीं है hmm. right. uh, और इसके अलावा हम कुछ मिस कर रहे हैं कुछ 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 लग रहा था कुछ और होगा। क्या कुछ मिस कर रहे हैं खालीपन, कुछ या। हाँ कुछ लगता कि कुछ हम और भी कुछ कर सकते हैं। तो वो जो वो जो गांव में दीवाल पे जो पोतने की जो एक वर्ड है पोतना hmm. है okay. तो गांव में चित्र बनाना तो उतना ही है hmm, hmm. उसमें उतनी फिनिशिंग कहाँ है hmm. या दीवारों पर जो हम बनाते थे रिचुअल के लिए राइट right. उसमें तो जो मिला ब्रश थोड़े होता yeah, था लकड़ी पे कपड़ा लपेट करके उससे ही तो कर yeah. देते थे ना ब्रश तो जानते भी नहीं थे yeah. उसको हम मिस करने लगे hmm. और कुछ मुझे मजा नहीं आ रहा था एक समय के बाद मजा भाई हम आर्ट तो Uh, हम ये शब्द हम यही सब जानते हैं इसलिए आपको कह रहे हैं कि मुझे मजा नहीं आ रहा है तो एक न, समय मजा आ रहा था ऑथेंटिक नहीं लग रहा था, था? था? तो, आपको ऑथेंटिक की बात नहीं काम तो हम ऑथेंटिक बीसों साल से किए लोगों ने स्वीकार भी किया बहुत सारे शो भी किए गैलरी ने लेकिन मुझे मजा नहीं आ रहा है अब मजा नहीं आ रहा क्योंकि हम क्योंकि हम फ्रीलांसर थे तो नाश्ता करने के बाद हम स्टूडियो जाते थे तो जो ना वो जो नाश्ता करने के बाद तुरंत स्टूडियो भागने की जो जल्दी है उसमें थोड़ा लगता था कि मुझे पता है मैं जाके ये कर लूंगा mm -hmm. ये चीज होने लगी तो मैं छोटे छोटे कुछ काम मैं करीब करीब इस तरह से कुछ फोक से रिलेटेड कुछ mm -hmm. जो mm -hmm. मेरा जो पुरानी मेमोरी थी इससे लेके कुछ कुछ करने लगा था छोटा छोटा काम mm -hmm. तो uh, एक यंग आर्टिस्ट मेरे लिए यंग ही है मिडिल एज कह सकते हैं आप उसको मेरे लिए यंग वो आया हुआ था मिलने के लिए वो मेरे स्टूडियो में बैठा था मैं उसके लिए पानी लेने के लिए नीचे गया लेके आया तो देखा कि वो मेरे छोटे काम निकाल, निकाल करके के बैठा हुआ देख रहा है और वो काम इतना फर्क है मेरे काम उसे कि वो लगा किसी और का किसी काम और का है तो उसने पूछा कि संतोष भाई ये किसना का काम है तो मैंने कहा मेरा ही काम है तो कहा कि संतोष भाई आप ये काम क्यों नहीं करते इसमें तो भी काम बहुत अच्छा हो रहा है बहुत पॉसिबिलिटीज भी है, जो मैं भी महसूस कर रहा था hmm. लेकिन वो जो सेकंड किसी को कहना hmm. हाँ उसने कहा और वो लड़का था एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट था बड़ौदा का से पढ़ा हुआ था और बड़ौदा आर्ट कॉलेज हम लोग के लिए मैंने हम भी जानते हैं कि वहां उसकी hmm. बहुत कंट्रीब्यूशन है बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट है, दिए हैं तो बड़ौदा का पढ़ा हुआ था तो मेरे लिए तो मुझे उसका एक वो एक ट्रिगर था मेरे लिए तो मैं एक एनकरेजमेंट आपको चाहिए था हाँ, एक यंग यंग आर्टिस्ट है और यंग आर्टिस्टों का एनकरेजमेंट सबसे मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ तो फिर मैं थोड़ा करने लगा थोड़ा और किया लोगों को दिखा तो इस तरह से वहां से अच्छा तो आपको कभी डर नहीं लगा क्योंकि एक होता है कि वंस यू गेट एस्टेब्लिश्ड रेपूटेशन मिलता है ब्रेंड इमेज हो जाता है तो आपको कभी डर नहीं लगा या आपको किसी ने कभी बताया कि नू शुड नॉट डू दिस तो बहुत ही स्वाभाविक है कि डर तो इंसान है तो थोड़ा डर तो लगेगा ही और लोगों का जो हमारे बहुत ही आस पास के लोग हैं जो हमारे Uh, मित्र हैं और मेरे वेलविसर हैं हाँ yes, जी yes. आज भी मैं जान वो मेरे वेलविसर ही हैं hmm. मगर उनकी उनमें से दो तरह की प्रतिक्रियाएं थी कुछ मित्र थे कि उन्होंने कहा कि संतोष भाई आप ये मत कीजिए ये बहुत ही खतरनाक है आपका अच्छा <laughs> चल रहा है आप ये <laughs> तो, <laughs> तो, हाँ आप एक एक जगह तक आप आए हैं अब एकदम ये ये तो वो बात नहीं उनको वो बहुत अच्छा भी नहीं वो शायद लगा होगा बोले कि नहीं ये वो लेवल तो नहीं है उनके दिमाग में कि वो वो तो अलग लेवल का काम है आप फिर से आप इस तरह से कर रहे हैं तो ये और लोगों ने भी किया बहुत नुकसान उनको उठाना पड़ा आपको ये नहीं करना चाहिए और उसमें से कुछ कम लोगों ने कहा कि नहीं जुम्हे तुम्हें जो ठीक लगता है तुम करो अब मेरी सोचते सोचते मैंने एक दिन ये सोचा क्योंकि काफी सोचने लगा मुझे क्या करना चाहिए उसमें मजा नहीं आ रहा है ये करने का मन कर रहा, रहा, रहा है और साथ में ये समस्याएं हैं कि दिल्ली जैसे जगह में रहता हूँ तो एक फ्रीलांस आर्टिस्ट को घर चलाना आज भी बहुत मुश्किल है बिल्कुल हम लोग किसी तरह चला लेते हैं तो ये और जो चलाते हैं उनको प्रणाम ही करना चाहिए तो लेकिन एक दिन लेटे लेटे मैंने सोचा कि नहीं मैं करूंगा hmm. मेरे पास खोने के लिए क्या है मैं ऐसा क्या, क्या खो जा खो दूंगा hmm. एक पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ने वाले यहाँ तक तो अब वापस पेड़ के नीचे तो नहीं जाऊंगा वो जमाना भी hmm. नहीं रहा तो जब वहां नहीं जाऊंगा तो ऐसा कुछ नहीं खो डर गया इतना डर किस बात का कम से कम जब मजा हम करें तो जो हम चाहते हैं वो क्योंकि आर्ट तो इसीलिए आया था कि हम ये करना चाहते थे सब कुछ छोड़ के क्योंकि हमारे आपको बताऊं घर में लोगों को बहुत समय तक नहीं पता चला कि हम करते क्या है अब hmm. बहुत चिंतित थे hmm. कि ये करेगा क्या मैं उनको बता था बोले कि आर्ट कॉलेज में गए कितने साल के पढ़ाए तो उस समय तो बी एफ साल का था तो पाँच साल ही उनको तो, बताया उसी में वो चौक गए कि पाँच साल तुम वहाँ <laughs> क्या करोगे तो ब्रह्म के चित्र बनाएंगे तो बोलो तो तुम अभी बनाते हो तो वहां जाकर तुम कौन सा चित्र बनाओगे <laughs> और फिर वो एग्जाम्पल देने लगे की कि बगल वाला जो लड़का है पांच साल में तो डॉक्टर बन के निकलेगा hmm. और तुम वही चित्र बनाओगे तो इस तरह की समस्याएं करेक्ट थी तो इन सब से निकल के तो मुझे लगा कि जब हम उन से उबर के आ गए हैं इसके लिए ही तो हमें ये करना चाहिए

Uh, for, to <laughs> That's तो I think that 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 was the sign uh -huh. uh -huh. that is something you knew that, uh, you knew would you मजा आना ही सबसे। हमें तो हम एक ही वर्ड जाते कि मजा आना चाहिए uh -huh. एक आर्टिस्ट uh, का नाम याद आ रहा है मैं पूछना चाहूंगी आपके uh -huh.

कुछ ऐसा लगा कि कहीं से खुशबू वही आ रही है तो मैंने नाम पढ़ा तो मैं तक ठीक नहीं करूंगा मगर जीन और मुझे याद है इसलिए क्योंकि वो इतना अच्छा उसका काम है और मैं आपको ईमानदारी से बताऊं कि उसके जैसा अगर एक पेंटिंग में बना लू ना तो मैं अपने को धन्य समझूंगा जबकि वो मेरे ख्याल से यंग मेरे से छोटा आर्टिस्ट हाँ हाँ होगा, देखिए no uh... बेहतरीन काम है और मैं अपने इस तरह के काम करने के बहुत बार मत मुश्किल से एक डेढ़ साल पहले मैंने देखा और तो देख के मुझे लगा करिए ये तो ये तो कहीं मैं देख के चौंक गया कि कहीं उसका है हाँ। लेकिन बहुत सारे चीज़ें अलग हैं जैसे वो जो आर्ट बनाते हैं वो बहुत ही कम कलर और थोड़ा पेनफुल Hmm, कहीं कहीं हाँ, कुछ आर्ट मैंने देखा हाँ, देख हाँ। हाँ। उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस शायद ऐसा रहा हाँ। हो हाँ। और मेरे में आ, उसी तरह की ही बहुत ही बोल्ड लाइनें और पतली लाइनें और जस्ट खींच दी गई हैं करीब करीब मैं देखता हूँ मेरे में लेकिन मेरे में थोड़ा कलर भी है हाँ, वो एनर्जी अलग है अलग, अलग, अलग एनर्जी है और मेरे में वो गाँव दिखता है वो गवैयापन दिखता है और वो अनगढ़पन है जो ठीक से नहीं आता है yeah. वो चीज शायद मेरे काम में है क्योंकि कह सकती है फोक का थोड़ा right. सा टच है कहीं से yeah. सब सबकॉन्सियस में तो वो चीज है तो so, ये क्वेश्चन uh, मैं आपको पूछना चाहूंगी कि अभी जो आप yeah. बोल रहे हो ना एंड यू हैव कम फ्रॉम अ स्टाइल विच वाज पॉलिश्ड परफेक्ट और सोफिस्टिकेटेड टू अ स्टाइल विच इज फ्रॉम द हार्ट विच माइट नॉट बी फुल्ली पॉलिश्ड

इन द सिटी आर्टिस्ट समथिंग एल्स सो ये डिवाइड तो है ही हाँ, हाँ, तो आपका ओपिनियन जानना चाहूंगी मेरा uh, चूंकि इस तरह से जर्नी रहा है गांव से लेके फोक आर्टिस्टों से लेके कुम्हार लोहार हर किसी से रहा okay. है तो मुझे तो रिस्पेक्ट है hmm. मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और थोड़ा पढ़ाई करके और शहर में आने के बाद जितना डिस्कशन है जो थोड़ा बहुत जो जानने को मिला है मुझे तो लगता है हर आर्ट की जननी जननी जो है वो फोक आर्ट ट्राइबल आर्ट ही है वहीं से निकला है हम, हम हर जननी जननी हाँ हा, 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 वही जननी है और हम जितना भी कुछ कर लें कहीं ना कहीं वहीं से ही आया हा, है हा, लौट के उधर ही जाना। लौट के उधर ही जाना है और उनके अंदर जो एक मासूमियत है हम एकेडमिक में क्या होता है कि बहुत सीखते हैं पॉलिश होते हैं लाइफ ड्राइंग एकदम बढ़िया एनाटोमी हमने भी सीखा है लाइफ ड्राइंग किया है सामने से किया है लेकिन क्या हम वही लाइफ ड्राइंग हम पेंटिंग हम तो मतलब हमें नहीं पसंद है हमें तो उधर ही लौट जाना वो जो इन सब चीज को भूलना ही चाहता हूं मैं और मैं और भूलना चाहता जितना भूला हूँ मैं सोचता हूँ कितना और भूल पाऊँ भूलने की प्रयास है अनलर्न करना चाहते हैं अनलर्न करना सो वन थिंग वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू सेड दैट आर्ट परफेक्ट अगर मतलब आपका आर्ट परफेक्ट था वट बट लाइफ इज नॉट परफेक्ट सो इट इज समथिंग दैट इफ इट स्लोली डज नॉट रिफ्लेक्ट योर ओन लाइफ तो कहीं ना कहीं एक डिससेटिस्फैक्शन होता है बिल्कुल 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 लवली अच्छा वेरी क्लोज रिलेशनशिप जय सर सो what बिट ऑफ आइडिया देखिए अब वो नहीं है और ये उनके परिवार के लिए तो बहुत बड़ा नुकसान है और मैं ये मानता हूँ कि मेरा भी कुछ नुकसान हुआ है या उनके जो बहुत ही नज़दीकी फ्रेंड हैं उनका भी नुकसान है क्योंकि एक ऐसी शख्सियत जिनका चले जाना तो वो भरपाई मुश्किल है और व्यक्तिगत रूप से मैं बताऊं कि मैं उनको जानता बहुत दिनों से हूँ और चूंकि मैं छोटे शहर से आया हुआ था तो जो है कि बड़ों का थोड़ा रिस्पेक्ट करते हैं और उनसे ज़्यादा बात नहीं करते हैं तो वो एक माइंड में मेरे था तो बहुत दिनों तक मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं करता था कहीं मिल जाते तो ना नमस्कार कर देता था लेकिन जब हम एक साथ कैंपों में जाने लगे खासतौर से पहला जो कोरिया में हम लोग गए थे तो अच्छे खासे दिन दस दिन के लिए थे और एक साथ एक ही रूम में रहना बैठना शाम को बैठना तो उन्होंने धीरे धीरे मुझे बहुत ही सहज कर लिया था क्योंकि इससे पहले दसों साल से वो मुझे जानते थे तो उन्होंने ये उनको उन्हों ही क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मुझे सहज कर लिया अपने पास बैठाया और काफ़ी अच्छा उनसे हो गया था लेकिन अभी जो नुकसान की जो मैं बात कह रहा हूँ वो नुकसान मुझे इसलिए बार बार खलता है कि अभी दो साल पहले मेरा जो मैंने काम जब से चेंज कर दिया काम चेंज किए हुए तो पाँच सात साल हो गए लेकिन उसमें शायद वो देखते रहे होंगे जब बदलाव आने लगे बदलते बदलते उनके जाने के दो तीन साल पहले से फिर उनसे मेरी बात होने लगी Hmm. फोन पे आधे घंटे एक घंटे तक बात होती थी ऑन योर आर्ट हाँ हमारे आर्ट के बारे में फिर वो इंटरेस्टेड हो गए और क्योंकि अब के काम थोड़ा ड्राइंग बेस है मेरा तो वो मुझे आ, मेरा काम जहाँ भी फेसबुक वगैरह पर देखते थे देखने के बाद फिर वो मुझे hmm. आ, सबसे पहले पॉलकली का hmm. कुछ काम भेजा उन्होंने अच्छा। okay. और लिखा कि इसे ध्यान से देखो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम्हें देखना चाहिए इस आर्टिस्ट को देखते हो उनका नहीं मैं तो ज्यादा आर्टिस्टों का काम देखता ना बोले तो तुम्हें इस आर्टिस्ट का काम देखना चाहिए तो उसके बाद वो कंटिन्यूस uh, uh, ज्यादातर वो पलखले का है मुझे याद है वो भेजते थे उसके बाद उन्होंने अपने ड्राॅइंग भी बीच में अपने ड्रॉइंग भी भेजते थे बाद में अपने ड्राॅइंग्स क्योंकि आप लोग जानते हैं वो उनका भी काम ड्राइंग बेस है और कमल के ड्राइंग्स हैं उनके तो अपने काम भी उन्होंने भेज भेजने लगे तो एक दिन एक मजेदार घटना है मैं बताना चाहूँगा एक दिन मैंने फोन करके बोला कि भाई साहब आप इतना अपनी ड्राइंग भेजते हैं मैं कॉपी कर लूंगा <laughs> उन्होंने बिना एक क्षण देर किए जैसे ही मैंने कहा कि मैं इसको कॉपी कर लूंगा तो बोला इसीलिए तो मैं भेजता हूँ <laughs> तो ऐसे थे वो वो मजाकिया भी थे सीरियस भी थे बड़े भाई के तरह से वो आ, प्यार भी करते थे और उ, मुझे याद नहीं कि उनके जो कुलीग हैं उनके और कुलीग को भी मैं जानता हूँ जो उनके एज ग्रुप हैं उनसे भी बड़े हैं सभी उनसे बहुत प्यार करते थे, थे और मुझे याद नहीं कि किसी से कभी उन्होंने ऊंची आवाज़ में एक तो धीरे बोलते अगर आप मिली हो धीरे ही हमेशा एक एक सटन उनका जो स्केल था आरा, आराम से बात करते थे बहुत एग्रेसिव होना ये होना कभी होता ना डिस्कस में अच्छी बातों में भी लोग बहुत एग्रेसिव नहीं आराम आराम से एक बार उन्होंने किसी कैंप में उन्होंने जैसे एक काम किया दूसरा जो काम करना था छोटा काम करना तो उसमें जस्ट ऐसे तो मैंने कहा भाई साहब बस इतना ही तो बोला और नहीं तो क्या संतोष ये काम है ये आर्टिस्ट का काम है तो वो कह रहे हैं तो हम तो मानेंगे और बाद में धीरे-धीरे समझ में आया कि वाकई उनका एक स्ट्रोक भी कमाल का कमाल का स्ट्रोक है उनका वही स्ट्रोक तो बाकी ढेर सारे कामों में वही तो दिखता है तो वो एक ही है तो वो भी तो है आर्ट तो इस तरह से वो बड़ा एजुकेट भी मुझे करते थे मेरे जैसे आदमी को तो जरूरत भी थी और वो करते भी थे प्रणाम करता हूं उनको तो आपको ये चाइब्रेरी जो प्लेटफॉर्म है अभी इसके बारे में आपको क्या आपका क्या ओपिनियन है व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस मैं जो बहुत ही थोड़ा बहुत जानता हूँ कि जय भाई के बच्चों उनके परिवार उनके बच्चों द्वारा आर्ट कम्युनिटी के लिए ये शुरू किया गया एक चैनल जैसा है और इसमें वो बहुत सारे आर्टिस्टों का इंटरव्यू कलेक्ट करते हैं शायद आर्काइव जैसे तो देखिए ये बहुत अच्छा है, इसलिए है कि फ्यूचर को भविष्य को ध्यान में रख के किया जा रहा है ये रहेगा आने वाली जनरेशन को भाई हम लोग तो नहीं रहेंगे ना कोई भी नहीं रहता है मगर ये जो डॉक्यूमेंटेशन रहेगा तो ओ, हमारे आने वाले पीढ़ी को उस पीढ़ी से हमारे पूरे देश को और आपको पता है कि हमारे देश में अभी भी आर्ट उस लेवल पर नहीं है, नहीं है। नहीं। तो कैसे जाएगा यही सब तो तरीके हैं छोटे छोटे सबके प्रयास हैं तो मैं उन लोगों को उनके बच्चों को बधाई देता हूँ उनके परिवार के लोगों को कि उन्होंने जय भाई के नाम से ही शुरू किया है मगर ये बहुत अच्छा काम है आने वाले भविष्य के लिए Uh, लगा ही हुआ हूँ जैसा की मैं बताया की हमेशा मैं आर्ट ही जानने की कोशिश हाँ। किया और मेरे लिए धीरे धीरे आर्ट बदलता रहा है हाँ। लेकिन आखिर तक अभी भी जानने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे लगता है कि अपने आप को जो माध्यम में जानता हूँ उसके द्वारा जो मैं प्रकट करता हूँ एक्सप्रेस करता हूँ मेरे लिए वही आर्ट है कोई और जो आकार जो चित्रों को जो मैं बनाता हूँ उस तरह से एक्सप्रेस करता हूँ हमारे को या बहुत सारे आज के जनरेशन जो है जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रही है मुझे फिर से जानना पड़ेगा कि वो तो आर्ट एकदम <laughs> मतलब मतलब। तो अच्छा ही जाता ते है शायद कि हाँ, कोई तो तो उनके लिए वो आर्ट है तो वो अपने तरीके से उसे एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने भाव को सामने दर्शा रहे हैं हम अपने तरीके से दर्शा रहे हैं तो मुझे लगता है यही तो यही आर्ट होगा संतोष जी थैंक यू सो मच बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने में मैं एक्चुअली सो मच ऑफ योर लाइफ एंड योर डिफरेंट यू नो फेजेस ऑफ योर आर्ट के बारे में पता चला थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक यू सो आई होप यू एंजॉयड दिस एपिसोड ऑफ चाइब्रेरी प्लीज कीप गिविंग आस योर सपोर्ट एंड योर लव प्लीज़ सब्सक्राइब टू आर चैनल डोंट फर्गेट टू क्लिक द बेल आइकॉन फॉर गेटिंग फर्दर अपडेट्स i am lubna sen from the sets of chibbery till we meet again please take care